हेलो दोस्तों, तो आपका गैंटेक चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमसे जो भी पैसे RRB NTPC हो गया, SSC हो गया, इस तरह के जो भी फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं RRB NTPC का फॉर्म हो गया, जो कि इस फॉर्म का जो RRB NTPC का होगा था, जो 2019 में हर कैंडिडेट से 500 500 रुपये लिया गया था, और कहा गया था फॉर्म में लिखा हुआ था कि 400 रुपये वापस कर दिया जाएंगे आफ्टर द CBT, फर्स्ट CBT एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये 400 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे कि नहीं, इसका अता पता नहीं है। और जो इस पेपर को होने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलता है इसका बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे 2019 का जो फॉर्म निकला उसको और कंप्लीट होने में पूरा 3 से 4 साल लग जाएगा। इसी तरह बाकी जो भी बोर्ड सरकारी द्वारा निकाला जाता है, जो भी वैकेंसी, उसको फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा समय लगाया दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट हैं और हमारे जैसे। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि सरकार इस रूल और इस पॉलिसी को कब चेंज करेगी। जैसे प्राइवेट सेक्टर करते हैं, जब भी रिक्वायरमेंट होता है तुरंत हायर करते हैं, उसी हिसाब से सरकार भी जितने भी वैकेंसी है, जितने भी पोस्ट हैं, उसको भी प्राइवेट की तरह करना चाहिए, या फिर वो खुद करे इसको। जितना ज़्यादा जब हर एक कैंडिडेट से अगर 500 रुपये RRB NTPC के लिए दे सकते हैं, तो उसी तरह से इंतजाम भी कराया जाए। अब तो पेपर्स जो भी हैं वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन पोर्टल पर तो रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर हो जाता है। उसको थोड़ा मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा अगर किया जाता है जो भी, तो इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। और अगर हमसे 500 रुपये लिया जाता है, तो उसका जो भी कैंडिडेट जो भी अप्लाई करवाता है इसको, जहाँ पे भी सेंटर जाता है हमारा, तो उनको भी पैसे मिलते ही होंगे। तो क्या इसको और फास्ट नहीं कराया जाता है, जैसे प्राइवेट एजेंसियाँ कराती हैं, जैसे जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल कराती हैं वो, और ज़्यादा टाइम लगा दे, उसकी तरह सरकारी भी होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर सपोर्ट करें, इस पर अपना कमेंट कीजिए कि कैसा ओपिनियन है मेरा। और जो कि इस समय ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है इस वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी का जो फुलफिल करने का जो भी टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इस पर अपना कमेंट दीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और नीचे अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि इस बारे में क्या क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। धन्यवाद।